नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी .com में। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम 20 बड़ी खबरों का। यूपी में नहीं महंगी होगी बिजली, दरें महंगी करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग ने लौटाया। विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों के नामों पर भाजपा का मंथन, आज जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार ने बढ़ाई विपक्षी दलों की परेशानी। अमित शाह का आज से असम और पश्चिम बंगाल दौरा, राजनाथ की भी रैलियां, ममता करेंगी रोड शो। टूलकिट मामला, दिशा रवि ने कहा टीआरपी चाहने वालों ने मुझे दोषी करार दिया। नए मुख्यमंत्री को समय देने के मूड में नहीं कांग्रेस, तीरथ सरकार के खिलाफ आज हल्ला बोल। एंटीलिया मामला, एनआईए की बड़ी कार्यवाही, पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को किया गिरफ्तार। एनसीआर की वायु गुणवत्ता सुधारने को गठित केंद्रीय आयोग पर 5 महीनों में ही लगा ताला। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सेना के चयन प्रक्रिया में जताई भ्रष्टाचार की आशंका, सीबीआई करेगी जांच। संपत्ति मामले में धोखाधड़ी, मुंबई भाजपा अध्यक्ष समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। केरल में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, रविवार को जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। पहले चरण में 268 उम्मीदवार मैदान में, दूसरे चरण के लिए 408 ने किया नामांकन। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भाजपा को उम्मीद, नई बिसात बिछाने की कवायद। लाल किला हिंसा में गिरफ्तार, उस दिन भीड़ को उकसा रहा था शाहीन बाग का प्रदर्शनकारी। तीरथ करेंगे नेत्र कुंभ का शुभारंभ, तो ओम बिड़ला आएंगे हरिहर आश्रम। होली और कुंभ के दौरान यात्रियों की राह आसान करेगी स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली में यूनियन बैंक के एटीएम से 23 लाख की चोरी, हार्ड डिस्क भी गायब। यमुना की निर्मलता के लिए यमुनोत्री से निकलेगी कलश यात्रा, 20 मार्च से शुरुआत। दिल्ली में कोरोना की मार लगातार, तीसरे दिन 400 से ज्यादा मामले आए सामने, 3 की मौत। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।